मैं हूँ आपका फ्रेंड सैंडी और मैं आपके लिए लेके नेक्स्ट एक्सरसाइज। तो फ्रेंड्स आज जो एक्सरसाइज करेंगे हम आज अपने बैक मसल्स को ट्रेन करेंगे। तो बैक के लिए हम एक्सरसाइज करेंगे। तो फ्रेंड्स आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो फ्रेंड्स मेरी वीडियो को आप लाइक और शेयर करें ताकि मेरे को मोटिवेशन मिलता है। इस वजह से मैं और भी आपको अच्छी वीडियो बना के देता हूँ। तो फ्रेंड्स हम ज़्यादा टाइम ना लेते अपनी एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हैं। फ्रेंड्स इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको एक टॉवल या फिर कोई भी कपड़ा ले सकते हैं एज इट इज़, जैसे आपको वीडियो में दिख रहा है। तो फ्रेंड्स इस एक्सरसाइज को ऐसे परफॉर्म करना है। इस एक्सरसाइज में आपके बैक मसल्स पे आपको असर पड़ेगा और आप इस एक्सरसाइज को ऐसे ही परफॉर्म करें। Forever young, if you play me, you're done. Look out, I'm about to make it. I ain't faking, wolf was breaking, and he stands above and waiting patiently to see me take it. I think that it's time to stake it. Call me Drake, the charts I'm taking in. I make all of these statements because my mind's never. फ्रेंड्स हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है पैडली रो। तो फ्रेंड्स आप इस एक्सरसाइज में आप कोई भी रोड या फिर एज इट इज आपके पास जो भी इंस्ट्रूमेंट हो आप उसको उपयोग करके आप एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हैं। अपने हाथों को पूरा एज इट इज आपको लेके जाना है और नीचे तक लेके आना है। तो फ्रेंड्स आप इस एक्सरसाइज को ऐसे ही परफॉर्म करें। फ्रेंड्स हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है बेंट ओवर रो। आप इसमें आपके पास जो भी आप वेट ले आपको एज इट इज परफॉर्म करना है। फ्रेंड्स आपको कमर ज़्यादा नीचे नहीं झुकानी और कमर को स्ट्रेट रखना है और एज इट इज आपको एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग ही आपको परफॉर्म करना है। आप इसके 10 से 12 रैप निकाल सकते हैं 2 सेकंड। हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है वाइड आर्म रो। फ्रेंड्स इस एक्सरसाइज को आप एज इट इज कोई भी बेंच या फिर दीवार का सहारा जैसे मैंने दे रखा है आप इस एक्सरसाइज को ऐसे ही परफॉर्म कर सकते हैं। आप कोई भी वेट ले वेट को एज इट इज नीचे तक जाना है। तो फ्रेंड्स इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है और 10 से 12 रैप्स विद 2 सेट। अगर फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए।